प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसाय का अध्ययन विषय के अंतर्गत हम वित्तीय बाजार क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। वित्तीय बाजार वे होते हैं जहां पर कि एक उद्यमी कर्ता को, एक व्यवसायकर्ता को, व्यवसाय उद्योग संचालित करने वाले को बाजार से पूंजी प्राप्त होती है। तो यहां पर जिस प्रकार से एक व्यक्ति बाजार से विभिन्न अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ परचेज करके लाता, खरीद के लाता और अपनी आवश्यकता को पूरा करता, ठीक इसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय उद्योग में भी पूंजी की विशेष आवश्यकता होती, वित्त की विशेष आवश्यकता होती। इस वित्त पूंजी की पूर्ति के लिए जिन साधनों से उसको वित्तीय पूंजी प्राप्त होती है वो वित्त बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय बाजार जो है वित्त की मांग एवं आपूर्ति पक्ष को आपस में मिलाने का कार्य करता है, अर्थात वित्तीय बाजार जो है बचतकर्ता एवं व्यवसायिक इकाइयों की कोषों की गतिशीलता द्वारा जोड़ने का कार्य करता है। अब एक व्यक्ति के पास जो पूंजी होती है वो उसकी बचत की पूंजी होती है, उसके स्वयं के लिए उसकी कोई उपयोग की नहीं है, लेकिन दूसरी ओर वहीं पर विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों को अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, जो उसकी पूर्ति जो है बचतकर्ता के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जो है वित्तीय बाजार जो है बचतकर्ता एवं व्यवसायिक इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो वित्तीय बाजार को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जा सकता है जहाँ की प्रबंध के कोषों का क्रय विक्रय होता है। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ की किसी भी व्यापार व्यवसाय उद्योग के प्रबंध से संबंधित जुड़े हुए कोषों को खरीदा और बेचा जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए जो वित्तीय संपत्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, उनको खरीदने बेचने के लिए सुविधाजनक वित्तीय बाजार इसे बनाता है। दूसरा, इसमें मुद्रा तथा पूंजी बाजार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि मुद्रा बाजार क्या होते हैं, पूंजी बाजार क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है मुद्रा और पूंजी बाजार दोनों में जो क्रियाएं की जाती है वो वित्तीय बाजार के अंतर्गत की जाती है। तीसरी विशेषता है, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन प्रपत्रों के लेन देन की व्यवस्था को मुद्रा बाजार व दीर्घकालीन अवधि के प्रपत्रों के लेन देन की व्यवस्था को हम पूंजी बाजार कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्पकालीन और मध्यकालीन परिसंपत्तियों के लेन देन की जो व्यवस्था है वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत होती है, और दीर्घकालीन अवधि के जो प्रपत्र हैं, संपत्ति हैं, परिसंपत्ति, इनके लेन देन की व्यवस्था जो होती है वो पूंजी बाजार के माध्यम से होती है। तो ये जो है वित्तीय बाजार की परिभाषा और विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय बाजार के कार्य क्या क्या है। नंबर एक, बचत को गतिशील बनाना। जैसा कि हम जानते हैं जो हम बचत करके रखते हैं वो यदि कहीं उसका उपयोग यूज नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वो क्या होती, राशि डेड मनी हो जाती है, डंप हो जाती है। तो यहाँ पर बचतकर्ताओं को विभिन्न निवेशकों के चुनाव कर का विकल्प देती है, विभिन्न विकल्प यहाँ पर। अब यहाँ पर विकल्प कौन से हैं कि किस व्यवसाय व्यापार उद्योग में कहाँ पर जो है बचतकर्ता अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर जो है निवेशकों को चुनाव करने का विकल्प देती है, उस बचत को उत्पादक कार्य में निवेश करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से जो बचत है उसको क्या है, गतिशील रोटेट बनाए रखती है वित्तीय बाजार। फिर दूसरा है मूल्य खोज को सरल बनाना। परिवार क्षेत्र कोषों के आपूर्तिकर्ता तथा व्यवसायिक इकाइयां इनकी मांग करने वाली होती है, इन दोनों के परस्पर संपर्क से वित्तीय संपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित होने में मदद होती है, अर्थात व्यापार व्यवसाय उद्योग की संपत्ति का मूल्य क्या है ये वित्तीय बाजार के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। तरलता प्रदान करने से तात्पर्य यहाँ पर कि जो संपत्तियां व्यापार व्यवसाय उद्योग की हैं उन्हें शीघ्र ही रोकड़ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता, कितनी जल्दी उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ वित्तीय संपत्तियों का जो क्रय है और विक्रय आसानी से संभव होता है, अतः इन वित्तीय संपत्तियों को चाहे जिस समय जब भी हम नगद राशि की आवश्यकता हो तो बदलने की सुविधा देकर तरलता अर्थात द्रव्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार जो है, जो व्यापार व्यवसाय उद्योग की संपत्ति पर संपत्तियां हैं उनका शीघ्रता शीघ्र जो है क्रय विक्रय करता है, और ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिस समय चाहें हम उन संपत्ति
सूचनाएं जो है वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है। अंश हैं, ऋण पत्र हैं, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स हैं, विभिन्न प्रतिभूतियां हैं जो बाजार में खरीदी और बेची जानी है। इसके संबंध में जो है वित्तीय बाजार के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त होती है। अतः इन वित्तीय संपत्तियों का क्रेता विक्रेता के समय, प्रयास, धन की बचत होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वित्तीय बाजार के जो कार्य हैं वो बचत को गतिशील बनाना, मूल्य खोज को सरल बनाना, साथ ही ऐसी संपत्तियों में तरलता प्रदान करना और लेन देन की लागत को घटाना। अब यहाँ हम देखते हैं वित्तीय बाजार के जो प्रकार हैं। सामान्य तौर पर बिक्री वित्तीय बाजार के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। नंबर एक मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। तो वित्तीय बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों को भुगतान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रा बाजार क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक व्यापार व्यवसाय उद्योग को संचालित करने के लिए कंपनी के या उद्योग के स्वामी को जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता दो प्रकार से होती है उसको। नंबर एक तो व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए होती है जिनसे वो लंबे समय तक लाभ को अर्जित करता है। दूसरी ऐसी जगह उसके एक्सपेंडिचर व्यय होते हैं जो कि व्यवसाय को लगातार संचालित रखते हैं, उत्पादन को बराबर बनाए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार की उसको पूंजी की आवश्यकता होती है, कम समय के लिए और एक लंबे समय के लिए। कम समय के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसको वो व्यापार व्यवसाय उद्योग को निरंतर संचालित करने के लिए होती है। वहीं जो उसको लंबे समय तक के लिए पूंजी चाहिए वो विभिन्न मशीनरी या विभिन्न स्थायी संपत्ति जिनसे वो लंबे समय तक लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको दो प्रकार से पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ मुद्रा बाजार की। तो मुद्रा बाजार जो है वह बाजार है जो अल्पकालीन वित्तीय हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि एक व्यापार व्यवसाय उद्योग के जो रोजाना के व्यय हैं, खर्चे हैं, कच्चा माल, मजदूरी, वेतन, भुगतान, ये रूटीन के जो खर्चे हैं, इसके लिए जो उसको बार बार पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुद्रा बाजार जो है इस हेतु अल्पकालीन वित्त कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराता है। यहाँ कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र उपलब्ध होते हैं। अब ये अस्थायी रोकड़ की कमी एवं देनदारियों के निपटाने की जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक निधि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अस्थायी रोकड़ मतलब कि जो कुछ समय के लिए हमें रोकड़ की आवश्यकता है, और तात्कालिक जो देनदारियां हैं इनको हमें इनका भुगतान करना है, इसके लिए अल्पकालिक निधि की जो व्यवस्था है मुद्रा बाजार के माध्यम से होती है। अब इसकी पूर्ति जो है कौन कौन है करने वाले प्रमुख प्रतिभागी जो हैं, वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, राज्य सरकार, बृहद औद्योगिक घराने और म्यूचुअल फंड, इनके माध्यम से जो है मुद्रा बाजार के द्वारा पूंजी प्राप्त होती है अल्पकालीन वित्त के रूप में या कार्यशील पूंजी के रूप में। अब हम यहां देखते हैं मुद्रा बाजार के अंग कौन कौन से हैं। नंबर एक प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र दिए होते हैं जो ऋणी द्वारा लिखे जाते हैं। व्यापार व्यवसाय में जब माल उधार बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में जिसको हमने उधार बेचा उसके द्वारा लिख के एक प्रपत्र दिया जाता है जो प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। इसमें जो है निश्चित तिथि पर भुगतान का वचन जो है वो क्रेता देता है। अब ये पत्र जो है वो विक्रेता के पास होता है। यदि उसको रकम की आवश्यकता है तो वो ऋणदाता बैंक से बट्टे पर उसे क्या करता है, भुना लेता है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था होती मुद्रा बाजार के अंतर्गत। दूसरा जो है एक्सचेंज बिल, विनिमय बिल, ये ऋणदाता द्वारा लिखा जाता है जिसने माल उधार बेचा है। वो जो है निश्चित व्यक्ति या ऋणी को आदेश होता है कि वो वाहक को धनराशि का भुगतान कर दे। एक्सचेंज बिल जो होते हैं ये ऋणदाता के द्वारा लिखे जाते हैं जिसके द्वारा ऋण दिया गया है, वो संबंधित व्यक्ति के नाम पर एक ऋणी को आदेश देता है कि जो पत्र आपके पास ये लेकर आ रहा है उसको ये निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। तो ये विनिमय बिल है, इनको भी जो है एक्सचेंज बिल को भी जो बैंक के माध्यम से रखकर हम बट्टे पर भुना सकते हैं। थर्ड ट्रेजरी बिल, ये कहलाते कोषागार बिल। ये एक वर्ष से कम की अवधि में परिपक्व होने वाले भारत सरकार के द्वारा ऋण दान के रूप में दिया जाने वाला एक
लघुकालिक और ये ऋण दान के रूप में होते हैं कि इन बिलों पर जिनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा लगाया गया उस पर जो है शासन के द्वारा जो है कुछ लाभ फायदे के रूप में जो है ब्याज के रूप में दिया जाए। अब यहाँ पर ये रहता है कि ये बिल किस प्रकार के, जैसे 1,00,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले बिल का निर्गमन जो है ये 91 दिनों के लिए 96,000 रुपए में किया गया। अर्थात यहाँ पर जो है विनियोक्ता के द्वारा जो है ये ट्रेजरी बिल कितने में परचेज किया गया, 96,000 में, जबकि उसका अंकित मूल्य कितना था, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ जो है 4,000 रुपए जो है उसका ब्याज के रूप में प्राप्त, जो ये ट्रेजरी बिल खरीदता है उसको यहां पर अंकित मूल्य से कम मूल्य पर एक निश्चित तिथि के लिए जो है एक ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। तो ये कोषागार बिल। फिर अविलंब एवं सूचना मुद्रा, सूचना बाजार में बिना किसी ऋणाधार जमानत के 1 से 15 दिन तक राशि को उधार लिया जा सकता है। यहां ऋण पर जो ब्याज दर देय होगी वह अविलंब दर कहलाएगी। यहां पर जो है बिना किसी ऋणाधार या बिना किसी जमानत के या बिना किसी गारंटी के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड 1 से 15 दिन तक के लिए कुछ राशि जो है उधार दी जाती है। यहां पर ऋण पर जो भी ब्याज देय होती है वो अविलंब दर कहलाती है। तो यहां जो इसके जो अंग है मुद्रा बाजार के जो कि कहां कहां से जो है यहां पर जो वित्त की व्यवस्था होती है, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, कोषागार बिल और अविलंब या सूचना मुद्रा। इसके बाद इसके कार्य हैं। नंबर एक कार्य तो है मुद्रा की आपूर्ति करना, बचत को गतिशील बनाकर विभिन्न प्रकार के से साख विपत्रों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों व निवेशकों को कोष उपलब्ध कराती है। दूसरा मांग आपूर्ति समन्वय, यहां पर जो कोषों की मांग है, पूंजी की आवश्यकता, इस आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को मुद्रा बाजार कम करके उनमें समन्वय बनाए रखती है। तो मांग और आपूर्ति, कोषों की जो मांग और कोषों की जो पूर्ति है उसके प्रॉपर बीच में ये कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाकर रखती है। फिर ब्याज दरों में कमी, अब जो उधार राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दरों में होने वाली भारी भिन्नता या अंतर को यहाँ जो है मुद्रा बाजार कम कर देती है। यहाँ अक्सर ये होता है कि जब व्यापार व्यवसाय उद्योग में किसी को रकम की पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह एक किसी भी ब्याज दर पे जो है बाजार से पैसा उठा लेता है, तो उसको जो है यहाँ पर जो वित्त है वो अलग अलग ब्याज दरों पर प्राप्त होता है। लेकिन मुद्रा बाजार से यदि वो प्राप्त करता है तो उसको एक निर्धारित दर ब्याज दर से ही पूंजी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मुद्रा बाजार जो है ये क्या करता है, अलग अलग स्थितियों में ऋण लेने पर जो है जो उस पर ब्याज की दर की भिन्नता है उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। फिर सस्ते दरों पर कोषों की प्राप्ति अर्थात कम ब्याज दर पर पूंजी की प्राप्ति। तो मुद्रा बाजार जो है कोषों को कोई बड़ी आपूर्ति को वैधानिक उधारकर्ताओं हेतु सदैव तैयार रखकर कोषों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसका मतलब क्या है, कम ब्याज दर पर या निर्धारित जो भी ब्याज दर है उस ब्याज दर पर कोषों को उपलब्ध कराता है। फिर तरलता, मुद्रा बाजार जो संपत्तियों को बड़ी मात्रा में तरलता प्रदान करता है। यहाँ पर जो है संपत्ति पर संपत्तियों को शीघ्रता के साथ खरीदा और बेचा जाता है और उन्हें शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जाता है, तो तरलता प्रदान करता है। और हस्तांतरण व सुरक्षा, ये कोषों का हस्तांतरण शीघ्रता से करता है व कोषों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो थे मुद्रा बाजार के कार्य थे। अब हम दूसरा जो प्रकार देखेंगे है पूंजी बाजार। सामान्य रूप से दीर्घकालीन वित्त से संबंधित बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। तो प्रारंभ में जैसा हमने बताया था कि एक व्यापार व्यवसाय उद्योग को संचालित करने के लिए दो रूपों में पूंजी की आवश्यकता होती है, एक व्यापार की स्थायी संपत्तियों खरीदने के लिए, दूसरा व्यापार व्यवसाय के रूटीन के खर्चों के लिए। अब यहाँ पर जो पूंजी बाजार के माध्यम से जो पूंजी की व्यवस्था होती है ये व्यापार व्यवसाय उद्योग की जो है स्थायी परिसंपत्तियों को के लिए की जाती है। तो यहाँ पर पूंजी बाजार जो है से आशा सभी प्रकार के वित्तीय प्रपत्र अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जैसे व्यापारिक, औद्योगिक एवं सरकारी विपत्रों के बाजार से है। तो यहाँ पर पूंजी बाजार जो है मुद्रा पूंजी के प्रभावकारी व गतिशील हेतु एक संगठित बाजार है।
जिसमें विभिन्न विनियोक्ता अपने विनियोग योग्य कोषों इसमें आते हैं अंश ऋण पत्र बॉन्ड्स प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाले बाजार को हम पूंजी बाजार कहते हैं। अर्थात पूंजी बाजार वो बाजार है जहां से पर की व्यापार व्यवसाय उद्योग जो है स्थायी रूप से वित्त की व्यवस्था जिसके लिए होती है जो कि यहाँ पर जो उसके स्रोत हैं अंश ऋण पत्र बॉन्ड और प्रतिभूतियां आदि ये पूंजी बाजार के अंतर्गत आती है। तो ये कहलाता है पूंजी बाजार। इसके बाद है पूंजी बाजार की विशेषताएं। नंबर एक संरचना। अब इसकी जो विशेषताएं पूंजी बाजार में जो है अनेक व्यक्ति एवं संस्थाएं होती हैं जो दीर्घकालीन पूंजी की मांग एवं पूर्ति का प्रवाह निरंतर बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर पूंजी बाजार में जो होते हैं अनेक व्यक्ति होते हैं अनेक संस्थाएं होती हैं सरकार द्वारा भी हो सकती है ये जो है पूंजी की मांग और उसकी पूर्ति इन दोनों का जो प्रवाह है उसको वो बनाए रखते हैं। इनमें जो है स्कंद विनिमय व्यापारिक बैंक बचत बैंक बीमा कंपनियां विनियोग निगम व कंपनी आदि पूंजी बाजार के मुख्य संगठक होते हैं। अभी हम यहाँ पर संरचना देखते किस प्रकार की होती है कि ये होते हैं मध्यस्थ और ये होते हैं आपूर्तिकर्ता मतलब कोषों की व्यवस्था करने वाले। तो कोषों की व्यवस्था किनके माध्यम से होती है व्यक्तियों के माध्यम से संस्थाओं के माध्यम से सरकार के माध्यम से ये कहलाते हैं कोषों के आपूर्तिकर्ता। विनियोक्ता हो गए उधारकर्ता हो गए और पूंजी के विक्रेता हो गए। अब ये पूंजी जो है इन मध्यस्थों के माध्यम से होती हुई पूंजी बाजार के माध्यम से होती हुई इसमें स्कंद विनिमय नया निगम बाजार वित्त व विनियोग निगम ये पूंजी यहां से उठकर इन मध्यस्थों के बीच आती है और इन मध्यस्थों से होती हुई जो है कोषों की मांग जिनके द्वारा की जा रही है ये उद्यमी हो गए उधारकर्ता हो गए पूंजी के क्रेता हो गए जो ये पूंजी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि अनेक व्यक्ति एवं संस्थाएं होती हैं जो पूंजी के मांग और पूर्ति के प्रवाह को क्रमशः पूंजी बाजार स्कंद विनिमय नया निगम बाजार और वित्त एवं विनियोग निगम के माध्यम से जो है कोषों की मांग करने वाले उधारकर्ता उद्यमी या पूंजी के क्रेताओं को ये पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूंजी बाजार की जो संरचना होती है ये अनेक व्यक्ति और संस्थाओं और सरकार से होती हुई पुनः उन्हीं व्यक्तियों और संस्थाओं और सरकारों तक पहुंचती है जिनको की उस कोषों की आवश्यकता है। तो ये पूंजी बाजार की संरचना ये पहली विशेषता है। दूसरा बिंदु है पूंजी बाजार के घटक। नंबर एक उधार योग्य कोषों के आपूर्तिकर्ता उधारकर्ता और मध्यस्थ। मध्यस्थ एक ओर जो है उधारदाताओं व दूसरी ओर उधारकर्ताओं से व्यवहार करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है पूंजी की व्यवस्था ये एक और व्यक्ति सरकार संस्थाओं से करती है जो कि उधारदाता के रूप में है और दूसरे जो उनको प्राप्त करते हैं उनके बीच के व्यवहार को यह संतुलित करती है। फिर पूंजी की मांग और पूर्ति यहाँ कोषों की आपूर्ति जो है व्यक्तिगत तथा निगम बचत संस्थागत विनियोक्ताओं तथा सरकार के आधिक्य से होती है जिसकी मांग कृषि उद्योग व्यापार तथा सरकार द्वारा की जाती है। तो पूंजी की मांग एवं पूर्ति। फिर है पूंजी बाजार जो है प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है प्रतिभूतियों को शीघ्र रोकड़ में बदलना तरलता है जो संपत्ति के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्षमता को बताता है। यहाँ पर प्रतिभूतियों की विपणनीयता मार्केटेबिलिटी अर्थात प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना उनको पूंजी बाजार के कुशल संचालन का प्रमुख तत्व होता है। यहाँ यदि ऋणदाताओं को उनके ऋणों का आसानी से भुगतान नहीं होता यहाँ ध्यान देने की बात है तो ऐसी स्थिति में वह ऋण प्रदान करने में क्या करेगा संकोच करेगा। तो प्रतिभूतियों को ये क्या करती है तरलता प्रदान करती है अर्थात शीघ्र ही उन्हें रोकड़ में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। फिर पूंजी बाजार के जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ से पूंजी प्राप्त होती है इसमें तो इसमें एक संगठित जिसमें बैंक बीमा कंपनी वित्त निगम सरकार आदि वही असंगठित क्षेत्र में जो है देसी बैंकर महाजन साहूकार आदि सम्मिलित हैं। इनकी चूंकि इनके ब्याज दर में क्या रहती है भिन्नता बनी रहती है तो पूंजी बाजार के जो संगठक हैं वो दो रूप में होते हैं एक तो सरकार द्वारा होते हैं जिसमें बैंक हो गए बीमा कंपनी वित्त निगम सरकार आदि हो गए संगठित क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा जो असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत देशी बैंकर अर्थात देशी बैंक हो गए जो घरेलू बैंक
महाजन हो गए, सेठ, साहूकार, आत्यादि।